बिहार के आरा में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिस महिला के मौत के आरोप में पति 4 साल से जेल में बंद है, वो महिला दूसरे पति के साथ शादी कर दूसरी घर बसा ली है। महिला को आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज मोहल्ले से बरामद किया गया है। गायब महिला धर्मशीला देवी चौरी थाना क्षेत्र के जनकपुरिया गाँव के अवध बिहारी सिंह की पुत्री है, जिसकी पहली शादी बहुआरा छपरा के रहने वाले दीपक से हुई थी। लेकिन पति के प्रताड़ना से तंग आकर महिला अपने मायके जनकपुरिया में ही रहती थी। लेकिन महिला का किस्मत खराब निकला और रिश्ते को शर्मसार करते हुए उसके पिता ही उसके साथ गलत व्यवहार करने लगा और उस पर गलत नियत रखने लगा, जिसके बाद महिला आत्महत्या करने के लिए बेबस हुई और आरा स्टेशन आ गई ट्रेन के आगे अपनी जान देने के लिए। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत बढ़िया निकली और एक व्यक्ति ने उसका जान बचा लिया, जिसके साथ वो दोबारा शादी कर घर बसा ली। फिल्मी कहानी शुरू होता है अब। इधर महिला दूसरी शादी कर अपना घर बसा ली, दूसरी तरफ अपनी बेटी के साथ गलत निगाह रखने वाले पिता ने चौरी थाना में अपने पहले दामाद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवा दिया। केस दर्ज होने के बाद एक सड़ा गला किसी अज्ञात महिला का शव बरामद होता है। उस शव को पिता के द्वारा पहचान किया जाता है कि यह मेरी बेटी की शव। इतना कहते ही चौरी थाना की पुलिस झूठा केस के आरोप में दीपक को और उसके परिवार के अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। तकरीबन 4 साल से उसके पति जेल में ही रहा। इधर महिला के जिंदा होने की सूचना जैसे ही सामने आई, वैसे ही पूरे जिले में आग की तरह फैल गई और हर तरफ चर्चा का विषय बन गया। बता दें कि महिला की वर्ष 2020 में हत्या और को लेकर के FIR हुई थी। मायके वालों ने लाश की पहचान की, पति जेल गया, वो 4 साल बाद जिंदा मिली। यह किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा नहीं, रिश्तों में दगाबाजी की सच्चाई है। शुक्रवार को पुलिस ने जीवित अवस्था में महिला को बरामद कर लिया। महिला धर्मशीला देवी सहार प्रखंड के रहने वाली है। धर्मशीला देवी को पुलिस ने बरामद कर आरा कोर्ट में 164 का बयान कराया। उसके बाद मेडिकल जांच कर परिजनों को सपुर्द कर दिया। धर्मशीला देवी चौरी थाना क्षेत्र के जनकपुरिया गांव निवासी अवध बिहारी सिंह की पुत्री है। अवध बिहारी सिंह ने चौरी थाना में अपने पुत्री के दहेज के लिए हत्या करने का FIR दर्ज कराया था। हत्या का आरोप धर्मशीला के पति दीपक, ससुर प्रमोद सिंह और भसुर रविशंकर पर लगाया गया था। पुलिस को जांच के क्रम में 31 अक्टूबर 2020 को थाना क्षेत्र के सोन नदी के किनारे से एक शव मिला, जिसकी पहचान अवध बिहारी सिंह ने अपनी पुत्री धर्मशीला देवी के रूप में किया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी आरा सदर अस्पताल में करा दिया। हत्या के आरोप में पुलिस ने धर्मशीला देवी के पति दीपक को जेल भेजा था। इस बीच 17 अक्टूबर 2024 को टाउन थाना की पुलिस ने धर्मशीला देवी को मीरगंज मोहल्ले से बरामद कर चौरी थाना को सपुर्द कर दिया। इस बीच धर्मशीला देवी ने लोकल 18 को बताया कि पुलिस मेरे घर मीरगंज में आई तथा अपने साथ थाना पर लेकर आ गई। पुलिस ने बताया कि आपके पिता आपको मृत मानकर आपके ससुराल के लोगों पर FIR कर दिए हैं। मेरे पिता ने झूठ बोलकर दूसरी महिला के मृत शव को मेरे शव मानकर झूठा FIR कर पहले पति को फंसाया है। मैं अपने मन से आरा के मीरगंज निवासी अजय कहार से शादी की हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं। धर्मशीला आगे बताती है कि जहाँ शादी हुआ था वो पति बहुत मारता था, जिसकी वजह से हम अपने मायके आ गए थे। यहाँ आने के 2 महीना बाद मेरी माँ मर गई। उसके बाद मेरे पिता मेरे साथ गलत संबंध बनाने का नियत रखने लगे। सोई अवस्था में मेरे पास आ जाते थे और अवैध संबंध बनाना चाहते थे, जिससे परेशान होकर हम ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति के द्वारा मेरी जान बचा ली गई और उसी व्यक्ति से हम बाद में शादी कर लिए। फिलहाल हम उसी व्यक्ति के साथ रहते हैं। मेरी हत्या नहीं हुई है और मेरा पति जो पहला पति है वो भी निर्दोष है। आरा रहते हैं, मीरगंज। हाँ, शादी की है? हाँ, दूसरा शादी को ये है। वो है संटू से शादी की है। पहला शादी किससे हुआ था? उसका माने के पहला शादी हुआ द्वार पर से। माने किससे हुआ था? दीपक से। कहाँ पर, कौन रहा? छापारा। अच्छा, तो 4 साल में आप दूसरा शादी कर ली। हाँ, आपके पापा केस किससे कर दिए कि आपका हत्या हो गया? तो हम नहीं जान रहे कि माने के अथी केस किया हत्या के। हाँ, आपके पापा केस किए थे, आप नहीं जानते थे? नहीं, हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं। हमारा पता नहीं है। कब पता चला आपको? हमारा तो पता ना है कभी। आज भी आज कहाँ गई है, जानती हैं? हम तो आ रहे हैं। हाँ,
तो आपके पति पहले वाले कहाँ हैं उनको नहीं पता है? नहीं। जेल गए हैं पता है आपको? ना पता ना है। जेल गए हैं नहीं पता है? ना। अच्छा आपका नैया कहाँ है? जनपुरिया है। शादी पहला कहाँ हुआ था? छपरा हुआ था। पति का नाम क्या था? दीपक नाम था। अभी के वाले पति का नाम क्या है? संतू नाम था। संतू हाँ। शादी हुआ है? हाँ। आपके पापा आपके ऊपर कार्रवाई मांग करती है, झूठा केस में फंसा दिया है आपके पति को? हाँ। आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी होता था? हाँ। कौन करता था? मैं कह रहे हैं ना कि गलत किए काम किए करेंगे तो हम इसके लिए तो भाग गए। कौन गलत काम करता था? पापा की रहते थे। आपके पापा? हाँ। आप इसी वजह से घर से भागी थी? हाँ। अच्छा भाग के कहाँ गई थी? भाग के चल गए थे माने कि बस था के आरा स्टेशन उतर गया था हम माने कि जा रहे हैं ना तो टेम्पू वालू संटू माने कि धा लिया हाथ तो तुम्हारे कह रहे कि तू माने कहाँ जाएगी चलो हम तुम्हारे साथ में घर तो दो दिन के बाद शादी के लिए। हाँ ये मामला प्रकाश में आया है यहाँ चोरी में 2020 में एक मामला दर्ज हुआ था किडनैपिंग के बाद में सोन में डेड बॉडी मिली घर वाले पहचान किए कि वो मेरी बेटी है लेकिन अब उस केस में ट्रायल भी हो चुका है और अभियुक्त जो बनाए गए थे उस समय उन पर सजा से देना ही हुई उन्होंने मुक्त हो चुके हैं तब यह परसों ये लड़की बरामद हुई है तो न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन लेकर जो भी उचित लीगल कार्रवाई होगी की जाएगी। सर लड़की ने अपने पिता पर ही आरोप लगाया था गलत काम करने का वो भी मामला सामने आया है लड़की का बयान माननीय न्यायालय में कराया जाएगा जैसा भी तथ्य सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी।